सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ में। तो गाइस हम इस वीडियो में इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं, बहुत इजी स्टेप से, ठीक है। तो इसमें भाई हम प्रीसेट का भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप प्रीसेट भी बनाना और अप्लाई करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो ये देखो, जैसे भाई हमारे फेस में भाई टीयर्स, आई मीन जो भी हो, दरारे पड़ चुके हैं, फटा है, उसमें से पैरेट निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा फोटो आप भी बना सकते हो अपने फोटो के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने फोटो को शेयर कर लेना है लाइट रूम ऐप में, और भाई आपको एक प्रीसेट का लिंक मिलेगा, तो जाओ वहाँ से प्रीसेट डाउनलोड कर लेना, और भाई प्रीसेट को भी लाइट रूम ऐप में ऐड कर लेना है। फिलहाल मैं उन दोनों को ऐड कर लिया हूँ लाइट रूम ऐप में। तो अभी सिर्फ देखो एक प्रीसेट आ गया, फोटो आ चुका है, प्रीसेट आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो देखो प्रीसेट भी आ चुका है। तो सबसे पहले अपने प्रीसेट पे जाएंगे, और ऊपर एक थ्री डॉट का लाइन मिलेगा, देखो वहाँ ऊपर कोने में थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, कॉपी सेटिंग क्लिक करेंगे, फिर वो जो सही के निशान है उस पर क्लिक कर देंगे। तो इतना करने वास्ते क्या करना है, आपको आ जाना है अपने फ़ोटो पे। तो अपने फ़ोटो वही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जहाँ कॉपी सेटिंग था उसके नीचे पेस्ट सेटिंग, तो पेस्ट सेटिंग करोगे तो भाई जो उसका आप कॉपी किए हो कलर्स जो भी है सेटिंग्स, वो आके यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे पेस्ट हुआ तो आप देख सकते हो पूरा कलर्स भी आ चुका है, हमें इसमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर ज़्यादा है, चाहो तो टेक्सचर को आप कम कर सकते हो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अभी हम देखा, चलो देखो गाइस कोई सेटिंग आपको छेड़खानी नहीं करनी। अगर आपको फ़ोटो से अलग हो रहा है तो आप अपने फ़ोटो को भाई हिसाब से रख सकते हो, बट फिलहाल मेरे फ़ोटो के लिए बहुत ही अच्छा प्रीसेट ये रहा, ठीक है। तो अभी मैं इसको शेयर करते हैं अपने स्नैपसीड ऐप में, तो चलो हम उसको शेयर कर लेते हैं। तो फिलहाल ये रहा हमारा स्नैपसीड ऐप, तो अभी ओपन हो चुका है। उसके बाद समझाएंगे टूल्स में, देखो साइड में टूल्स, उसके पास जाएंगे सिलेक्टिव टूल, ठीक है। सिलेक्टिव टूल का मतलब होता है भाई सिलेक्ट करके, जहाँ भी सिलेक्ट करोगे सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हो, सेचुरेशन को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। तो आपको सिलेक्ट करके भाई जितना चाहो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं ज़्यादा ब्लैक हो जाता है फोटो खींचते समय, कहीं लाइट कम ज़्यादा ऐसे होता है, ठीक है। तो उसके लिए सिलेक्टिव टूल का हम यूज़ करते हैं, अपने लाइट्स पे, शरीर पे जो भी कलर्स होता है उन सबको एडजस्ट कर सकते हैं सिलेक्टिव टूल से। उसके बाद हम आ जाएंगे पोर्ट्रेट में, ठीक है। पोर्ट्रेट में आने के स्मूथ टू है उस पर क्लिक करेंगे, तो वो जो फेस भाई पहला वाला है उसको जीरो कर देंगे, जो दूसरा वाला है उसको भी पूरा 100 कर देंगे, और तीसरे वाले को भी जीरो कर देंगे, ठीक है। इतना करने बस आपको ऊपर व्यू एडिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें, फिर व्यू एडिट पर जाएंगे, फिर पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे और बीच वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद से भाई आपको अपने फेस पर ब्रश करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो चलो देखो मैं जैसे ब्रश कर रहा हूँ, सिंपली से आपको ऐसे ही ब्रश करना है, लेकिन आपको 100 करके करना है, ठीक है। मैंने वो जीरो करके उसको इरेज किया था, बट आपको 100 रखना है, देखो नीचे 100 शो रहा है, तो वैसे आपको 100 रखना है, और भाई अपने फेस पे ब्रश करना स्टार्ट कर देना। जैसे भाई आप ब्रश करोगे तो भाई ऑटो डेस्क से अच्छा है भाई स्मूथ इसमें होता है। अगर नहीं आपने वीडियो मेरा पहले वाला, इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो जाओ देखो यार, मैंने उसमें बहुत अच्छे से भाई फेस को स्मूथ करके दिखा दिया है, ठीक है। तो चलो ये हमारा फेस भी स्मूथ हो चुका है। उसके बाद आएंगे टोनल कंट्रास्ट में, मीडियम हाई टोन्स को भी कम कर देंगे, मीडियम टोन को भी थोड़ा सा कम करेंगे, और जो भाई हमारा लो टोन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं 50 या 50-49 के आसपास रख लेंगे, ठीक है। आप परफेक्ट शैडो को 60 के पास पास रख सकते हो, तो चलो मैं इतना रख लिया, ठीक है। तो जो परफेक्ट हाईलाइट है इसको भी आप थोड़ा सा बढ़ा लेना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा फ़ोटो कुछ अच्छा से दिखने लगा है, ठीक है। तो चलो गाइस सब हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गाइस यहाँ का काम हो चुका है ख़त्म। तो इसको हम शेयर करते हैं पिक्सआर्ट ऐप में, तो अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट फिलहाल अभी इसमें भी खुल चुका है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्यूटी में, सॉरी इफेक्ट्स में, क्योंकि हमें भाई कलर चेंज करना है थोड़ा सा। तो सिलेक्ट जो वो कलर रिप्लेस है, आप चाहो तो जो कलर चाहो यहाँ से रख सकते हो, बट मुझे जो ओरिजिनल वाला था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक। तो आप यहाँ से जो भी आपको पसंद हो, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मुझे थोड़ा ब्लू टोन ऑरेंज टोन काफ़ी अच्छा लगता है। अब आपका पसंद भाई जो यहाँ हो वो आप रख सकते हो। तो गाइस इतना करने वाले आपको फिर से टूल्स में जाना है, फिर से एडजस्ट में जाना है, उसके बाद आपको आ जाना है सेचुएसन पर। तो आपको थोड़ा सा सेचुएसन को इंक्रीज़ कर लेना है, फिलहाल मैं डिक्रीज करके चेक कर रहा हूँ, बट मुझे इंक्रीज़ करने पर थोड़ा सा ज़्यादा कलर अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। उसको इरेजर पर क्लिक करेंगे, और क्या करना है, जो फूल्स हैं उन पर ब्रश करोगे तो थोड़ा सा उसमें कलर आ जाएगा। तो देखो मैंने उसको जैसे ब्रश किया उसमें कलर आ चुका है, तो थोड़ा सा हम चलो कलर रिप्लेस करके देख लेते हैं फूल का अच्छा लगता है या नहीं। तो कलर रिप्लेस पर जाएंगे और फूल पर क्लिक करोगे तो आप चाहो तो फूल का भी कलर रिप्लेस कर सकते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगा गाइस, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसमें कुछ मटेरियल्स यूज करेंगे, जैसे पैरेट हो गया, वो हॉल हो गया, ठीक है। तो उन सभी का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाओ वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक
ठीक है। तो गाइस डाउनलोड करके क्या कर लेना, आपको अपने फ़ोटो में ऐड कर लेना। फिलहाल जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ और इसको भाई जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ जो जहाँ पे अच्छा लगे, सिंपली से आपको वैसे ही एडजस्ट कर लेना है। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करोगे तो भाई अच्छा नहीं लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डाली कहीं और है और भाई आप पक्षी को कहीं और बैठा देते हो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो फिलहाल हम जो हॉल है उसको अपने भाई जी गाल पे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे और यहाँ से भाई आप डार्कन कर सकते हो क्योंकि डार्कन काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो डार्कन रख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई रख सकते हो। तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे रखा हूँ तो आपको जो भी यहाँ पसंद हो रख सकते हो। क्योंकि अब देखो लग रहा है जैसे रियल का भाई हॉल है हमारे जो भी है, ये लग रहा है एक मूर्ति और उसमें हॉल है। ठीक, तो चलो भाई एक पैरेट हम और ऐड कर लेते हैं क्योंकि भाई उसमें भाई अभी आपने ओरिजिनल थंबनेल में आप देखा होगा कि उसमें से एक पैरेट निकला हुआ था। ठीक, पैरेट या फिर बर्ड्स जो भी हो मुझे कन्फर्म पता नहीं है। ठीक है, तो चलो हम भाई इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना। देखो जैसे फूल्स हैं तो भाई फूल्स पे बर्ड्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आपको वहीं पे एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चलो हम भाई एक और बर्ड्स को ढूंढ लेते हैं कहाँ पे हैं सब। तो अभी आप देख सकते हो मेरे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल्स है तो भाई इन सब में ढूंढने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़रूर होता है, बट भाई मिल जाता है आखिरी टाइम। ठीक है, तो अभी देखो मिल चुका है। ठीक है, तो इसको भाई क्या करना है, आपको चूम करके वहाँ पर रख लेना है और थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देना है क्योंकि ओपेसिटी कम करो तो पता चलेगा कहाँ पर इरेज करना है। तो ओपेसिटी कम करके आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो देखो मैंने एडजस्ट कर लिया, फिर आपको इरेजर पे क्लिक करना है और जहाँ से फाइल फटा हुआ है उसके अंदर का हिस्सा छोड़ देंगे और बाहर का जो हिस्सा है उसको इरेज कर लेंगे। तो फिलहाल मैं इरेज कर रहा हूँ आपके सामने, आप देखो कैसे मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सिंपली से आपको जूम करके इरेज करना है भाई एक एक पॉइंट को अच्छे से। तो देखो मैं उसको एक एक पॉइंट को अच्छे से इरेज किया हूँ तो आपको भी ऐसे ही इरेज करना है। अगर छोड़ दोगे तो भाई अच्छा से नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो मैं जैसे मैं इरेज किया हूँ सिंपली से आपको ऐसे ही इरेज कर लेना है। इरेज करके क्या करना है, सिंपली से आपको डन कर लेना है और ओपेसिटी को पूरा बढ़ा देना है। तो भाई अगर जैसे आप ओपेसिटी को बढ़ा दोगे तो लगेगा भाई हाँ रियल में यार उसमें से निकला होगा। ठीक है, तो अभी देखो कितना अच्छा से ये भी हो चुका है। फिर जाएंगे हम ब्यूटी में। ठीक है, तो ब्यूटी में जाने का सबको आ जाना है डिटेल्स में, डिटेल थोड़ा सा डिटेलिंग पर क्लिक करेंगे। तो डिटेल करके क्या करना है, आपको अपने बालों पे ब्रश करना है। भाई बालों पे ब्रश करोगे तो भाई आपके हेयर में डिटेल्स आ जाएगा। तो वो देखो भाई मैंने इस पर भी एक वीडियो बना कर दिया है। ठीक है, तो आप चाहो तो वो भी वीडियो देख सकते हो कि डिटेल्स में हेयर में डिटेल्स कैसे लाएं। ठीक है, तो आप चाहो उस वीडियो को भी देख लेना। और भाई फिलहाल ये वीडियो पहले आप लोग देख लो, फिर आप लोग वो वीडियो भी जाकर देख लेना। तो अभी देख सकते हो हमारे हेयर में भी डिटेल बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो चलो मैं बिफोर आफ्टर करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कितना चेंजेस करने। तो गाइस मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में। तो यार प्लीज़ भाई सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।